पर्यावरण और जंतुओं से ऐसा प्यार हुआ कि विगत 60 सालों से प्रकृति के प्रेम में अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। आज हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो लगातार पिछले 60 सालों से पर्यावरण को संरक्षण के लिए पेड़ लगाते आ रहे हैं और अभी तक वो लगभग 1,00,000 से अधिक वृक्ष या पौधा या प्लांट लगा चुके हैं। आइए हम आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बॉटनी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर एनबी सिंह से मिलाते हैं, जिन्हें लोग ग्रीन मैन के नाम से जानते हैं। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं कि इनका कब ये मेन उद्देश्य, इन्होंने कब इस कौन सा इनका मतलब कब से इनको लगा कि पर्यावरण के प्रति इनको आगे आना चाहिए और लगातार ये कार्य करते आ रहे, तो कहाँ से इनको ये प्रेरणा मिली ये करने की? देखें, बचपन में जानता था पेड़ रोटी कपड़ा मकान देते हैं, पौधों से मिलता है। पिताजी हमारे पेड़ लगाते थे। कक्षा 3 में मैंने कलमी आम के 50 पौधे लगाए थे जो आज फल फूल रहे हैं, खूब बढ़ चुके हैं। और पेड़ से था, फिर ये लगा कि ऑक्सीजन कहाँ से आती है। धीरे धीरे बड़ा जूनियर हाई स्कूल इंटर तक वृक्षों से ऑक्सीजन आती है। ऑक्सीजन के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। पौधों से हमारा अटूट संबंध है। पेड़ पौधों को हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, उसके बदले वो हमको ऑक्सीजन देते हैं। हमारे द्वारा त्याज कार्बन डाइऑक्साइड को से पौधे भोजन बनाते हैं, वो भोजन भी हमको वापस कर देते हैं अपने लिस्ट से जो बचता है। तो ऑक्सीजन के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है, इसलिए पेड़ों की महत्ता है। जितना आनंद आता है उतना और किसी काम में नहीं आता। अब तक तो मैंने अधिक से अधिक वृक्ष लगाए, करीब 1,00,000 से ऊपर मैंने पेड़ लगाए, जिसमें छोटे बड़े सभी पेड़ हैं। प्रयागराज में मैंने पेड़ लगाए, गांव में पेड़ लगाए, अपनी कॉलोनी चैथम लाइन में बहुत पेड़ लगाए हैं। और प्रयागराज में PDA से मैं जुड़ा हाई कोर्ट के निर्देश पर, और मैंने करीब 37,000 वृक्षों का सर्टिफिकेट दिया कि ये वृक्ष 1 साल के बाद भी जीवित हैं। तो वृक्ष लगाइए, उनको उनकी सुरक्षा और संरक्षण भी ज़रूरी है। आज हमको कहते हुए दुख होता है कि जब सभी वृक्ष लगाते हैं, तमाम महोत्सव मनाए जाते हैं, वन महोत्सव मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जन्मदिन पे भी लोग पेड़ लगाने लगे हैं, लेकिन पेड़ कम होते जा रहे हैं। जब हम वृक्ष नहीं लगाते थे तब जंगल थे, आज हम वृक्ष लगा रहे हैं तो जंगल नष्ट होते जा रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है वृक्ष लगाइए, उनको सुरक्षित और संरक्षित करिए और वृक्षों को कटने से बचाइए, क्योंकि जो रेटनेक है नॉन पॉइजनस है, काटता ही भी नहीं है, और काट भी ले तो उससे कोई खतरा नहीं, तब भी मार देते हैं, नहीं भी काटता तब भी दौड़ा के मार देते हैं। करैत पकड़ा हूँ, कोबरा पकड़ा हूँ, अभी हमारे गेस्ट हाउस में 2 कोबरा निकले, दोनों मैंने पकड़ के। सर, सांप पकड़ने के लिए आपके पास लगातार कॉल भी आते हैं, तो फैमिली भी है प्लस बच्चों को पढ़ाना है, और उस भी कॉल आते हैं, तो कैसे आप मैनेज करते हैं? देखिए, हम मेहनत तो करने पड़ता है, अब आपको अधिक तेल लेना पड़ता है, दादा भाग दौड़ करनी पड़ती है, मैं बेकार आदमी हूँ, मैं कार नहीं है, ऑटोमोबाइल्स नहीं है, तो जहाँ तक मैं साइकिल से पहुँच जाता है वहाँ तक मैं जाके साइकिल से शाम बचाता हूँ, संरक्षा करता हूँ। साइकिल से चलने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, साइकिल का चलने है, लोग योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और मैं ये सब कुछ नहीं करता, मैं इसमें समय नहीं बर्बाद करता, इन सब से मैं साइकिल चला के मैं स्वस्थ रहता हूँ। और साइकिलिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, आता उसको मैं गिफ्ट करता हूँ, और ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा उपहार है वृक्ष देना। दुर्लभ पौधे मेरे पास हैं, औषधीय पौधे भी हैं, सीताशोक स्ट्रीट ट्री उत्तर प्रदेश है, बालम कीरा है, रीठा है, ये सब पौधे, मेडिसिनल प्लांट भी मेरे पास हैं, मैं लोगों को गिफ्ट करता रहता हूँ। तो ये संदेश है कि आप अधिक से अधिक वृक्ष लगाइए, वृक्ष जल वायु जमीन तीनों को शुद्ध करते हैं, तापमान कम करते हैं, और इनके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। ये हमारे साथ प्रोफेसर एनबी सिंह थे, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग के प्रोफेसर हैं। ये विगत 60 सालों से पर्यावरण को संरक्षण के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं और अभी तक 1,00,000 से अधिक पेड़ ये लगा चुके हैं। इसके साथ साथ जंतु के संरक्षण के लिए भी ये एक कदम आगे लगभग 10-15 सालों से आगे बढ़ा है। अभी तक इन्होंने प्रयागराज में जो निकलने वाले घरों में सांप हैं, जहरीले सांप हैं, अजगर हैं, करैत हैं, ऐसे सांपों को भी पकड़ते हैं और उसे सुरक्षित जगहों पर छोड़ते हैं, जिससे पर्यावरण के साथ साथ जंतुओं का भी संरक्षण हो सके। पत्रिका उत्तर प्रदेश से सुमित यादव, प्रयागराज। हाँ,